नमस्ते, मैं हूं रजत और आप देख रहे हैं thelallantop.com। thelallantop देश में चल रहे लोकसभा चुनाव की ग्राउंड से सीधी कवरेज आप तक पहुंचा रहा है। इसके अलावा फेसबुक के साथ मिलकर देश के अलग अलग इलाकों में फेक न्यूज से बचने के लिए वर्कशॉप भी कर रहा है। लोगों से जान रहा है कि उन्हें किन खबरों के फेक होने का शक है। इस कड़ी में हमारी टीम पहुंची राजस्थान, राजस्थान के एक बहुत खूबसूरत शहर उदयपुर में। यहाँ thelallantop के रिपोर्टर निखिल ने एक ऐसी ही वर्कशॉप की। वर्कशॉप अटेंड कर रहे निशांत को एक खबर पर शक था। वो एक वायरल मैसेज की सच्चाई जानना चाहते हैं जिसमें दावा किया जा रहा है कि भाजपा विधायक सुधीर गाडगिल से 20,000 करोड़ रुपए की नई करेंसी पकड़ी गई है। 20,000 करोड़ रुपए। अब निशांत चाहते हैं कि thelallantop इस खबर की पड़ताल करे और उन तक सच पहुंचाए। माय नेम इज निशांत और मेरे फोन पर व्हाट्सएप पर एक खबर आई थी कि एक MLA हैं सुधीर गाडगिल और उनकी कार से बहुत सारे पैसे मिले और उनके घर पे जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो 20,000 करोड़ ऑफ न्यू करेंसी मिली है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये फेक न्यूज़ है या ये रियलिटी है। वैसे ये खबर पहले भी आ चुकी है। 20,000 करोड़ रुपए जब्त करने के दावे को सही साबित करने के लिए कई तरह की फोटोज दिखाई जा रही हैं जिसमें 2,000 रुपए के नोटों जो नोट हैं उनके बंडल दिखाई दे रहे हैं। बहुत बड़ी संख्या में नोट दिखाई दे रहे हैं। हमने पहले भी इस खबर की तफ्तीश की थी। चूंकि निशांत को इस खबर पर शक है और चुनाव के समय पे इसे दोबारा शेयर किया जा रहा है, इसलिए हम आप तक फिर से सच्चाई पहुंचा रहे हैं। दावा जान लेते हैं। दावा दो तीन तरह का है। पहला लिखा जा रहा है, देखिए चौकीदार की चौकीदारी में देश कैसे लूटा जा रहा है। बीजेपी विधायक सुधीर गाडगिल की कार से 20,000 करोड़ की नई करेंसी पकड़ी गई है। ये खबर आग की तरह फैला दो क्योंकि अपने भारत की मीडिया में ये दिखाने की औकात नहीं है। इसके अलावा भी इससे पहले जब नोटबंदी के समय इस खबर को वायरल किया जा रहा था तब लिखा जा रहा था, भाजपा विधायक सुधीर गाडगिल की बोलेरो कार से 20,000 करोड़ की करेंसी पकड़ी गई है, नए नोट बरामद किए गए हैं। भाजपा विधायक सुधीर गाडगिल की बोलेरो कार से बरामद 20,000 करोड़ के नए नोटों का बंडल साफ दिखाता है, दर्शाता है कि इसको नोटबंदी से पहले रुपया भेज दिया गया है। इसको मतलब सुधीर गाडगिल को। यानी मोटा मोटा दो दावे किए जा रहे हैं, पहला कि जब्त किया गया पैसा भाजपा के विधायक का है और दूसरा 20,000 करोड़ रुपए की वैल्यू के नोट पकड़े गए हैं, यानी 20,000 करोड़ रुपए पकड़े गए हैं। हमने इस दावे की पड़ताल की। ये मामला 2016 का है, अब का नहीं है, 2016 का है। नोटबंदी के कुछ दिन बाद 14 नवंबर 2016 को नोटबंदी हुई थी, 8 नवंबर 2016 को, और जो ये घटना थी 14 नवंबर 2016 को हुई थी। पुलिस ने एक कार्रवाई की। फोटो में दिख रही जो गाड़ी है वो सांगली अर्बन बैंक की है। उस्मानाबाद तुलजापुर बाईपास के पास चुनावी दस्ते ने इस गाड़ी का पीछा किया। उस समय महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव चल रहे थे, लोकल बॉडी इलेक्शन चल रहे थे। चुनावी दस्ते को गाड़ी में तकरीबन 6 करोड़ रुपए मिले थे और पकड़े गए नोट पुराने थे, 500 और 1,000 रुपए के नोट, जिन्हें 8 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी ने घोषणा कर बताया था कि वो अब से अमान्य हो जाएंगे, वो लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। तो ये वो जो लीगल टेंडर नहीं रहे नोट 500 और 1,000 रुपए के, ये वो नोट थे। अब बात करते हैं सुधीर गाडगिल की, जिनका नाम इस खबर में बार बार आ रहा है, जिनके नाम से खबर शेयर की जा रही है। सुधीर गाडगिल का पूरा नाम है धनंजय और सुधीर दादा हरि गाडगिल, 64 साल के हैं। महाराष्ट्र में सांगली नाम एक जगह है, उस जगह से ये विधायक चुनकर आए हैं भाजपा की टिकट पर। सुधीर गाडगिल का इस खबर में नाम आने का एक कारण और भी है। दरअसल सुधीर गाडगिल के भाई गणेश गाडगिल जो हैं वो सांगली अर्बन बैंक के चेयरमैन हैं। क्योंकि ये घटना नोटबंदी होने के कुछ ही दिन बाद की है, इसलिए गणेश से जब पूछताछ की गई तो उन्होंने कहा कि सारा पैसा बैंक का है। सांगली अर्बन बैंक की मराठवाड़ा इलाके में कुल 9 शाखाएं हैं, 9 ब्रांचेज हैं। नोटबंदी के बाद पुराने नोट अमान्य हो गए थे, तब इन रुपयों को दूसरी ब्रांच में भेजा जा रहा था। बैंक की ओर से इस घटना पर प्रेस रिलीज भी जारी किया गया था। तीसरी बात, इस दावे में जो नोटों का जो कुछ अलग अलग फोटो शेयर किए जा रहे हैं जिसमें ढेर सारे 2000 के नोट दिखाए जा रहे हैं, उनमें से एक फ़ोटो जो आपको यहाँ पे दिख भी रही होगी, ये फ़ोटो दिल्ली की है। दरअसल दिल्ली में ईडी ने एक छापा मारा था नोटबंदी के कुछ समय के बाद, जहाँ पर 11 करोड़ रुपए जब्त किए गए थे। इसमें जो बैंक कर्मचारी थे वो भी नपे थे। तो ये वहाँ की फ़ोटो है, यानी फ़ोटो कहीं और की, घटना कहीं और की। फेक न्यूज़ फैलाने वालों ने, अफवाहबाजों ने दोनों घटनाओं को मिला दिया और एक नई अफवाह गढ़ दी। thelallantop की पड़ताल में नतीजा क्या निकला? thelallantop की पड़ताल में ये वायरल मैसेज झूठ निकला। पहली बात कि जब्त किया गया पैसा भाजपा विधायक सुधीर गाडगिल का नहीं है, सांगली अर्बन बैंक का है, जिसके चेयरमैन
इस मामले के वक्त यानी 2016 के वक्त सुधीर के भाई गणेश गाडगिल थे। पैसा निजी नहीं था, बैंक का पैसा था। और दूसरी बात, जब्त किए गए नोटों में से एक भी 2000 का नोट नहीं था। यानी जो दावा किया जा रहा है कि नई करेंसी जब्त की गई थी, तो उसमें जब्त की गई करेंसी नई नहीं थी, ये 2000 के नोट की फोटो कहीं और की है जिसे जोड़कर मिला दिया गया। सब पुराने नोट थे, 500 और 1000 के नोट थे जो नोटबंदी के बाद अमान्य हो गए थे। क्योंकि चुनाव का वक्त है, सभी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, तो फेक न्यूज फैलाई जा रही है, इसका नाम लेकर उसका नाम लेकर। अगर आपको भी चुनाव से जुड़ी या इसके अलावा भी किसी और खबर पर शक हो तो हमें लिखें। हमारा पता है padtalmail@gmail.com। इसके अलावा हमारी चुनावी कवरेज बदस्तूर जारी है। हमारे चुनावी कवरेज देखने के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब को सब्सक्राइब करें और डाउनलोड करना ना भूलें दी ललन टॉप के एंड्रॉइड ऐप। शुक्रिया।